हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी वेंचर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेईई मेंस जो 2022 में होने वाला है उसी से रिलेटेड न्यूज है। सो हम लोग देखते हैं जेईई मेंस का जो आपका एग्जामिनेशन, जेईई मेंस परीक्षा 2 चरणों में होगी। इस बार जो है आपका जेईई मेंस का एग्जामिनेशन 2022 वाला जो है आपका सिर्फ 2 बार ही एग्जाम आपको लिया जाएगा, लेकिन पिछले बार जो हुआ था 2021 में जो है आपका 4 टाइम्स जो है जेईई मेंस जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किया था। ठीक है, इस बार कोविड का स्थिति सही है इसीलिए जो है इस बार 2 चरणों में ही एग्जाम होगी, वह एनटीए के द्वारा जो है कंफर्म कर दिया गया है। ठीक है, देश के आईआईटी व एनआईटी में नामांकन के लिए इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में लेगी। एनटीए परीक्षा और रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल जल्द जारी करेगा। आपका जल्द ही जो है शेड्यूल नोटिफिकेशन आने वाला है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। जेईई मेन्स की परीक्षा अप्रैल और मई में ली जाएगी। आपका जेईई मेन्स का 2 चरण का जो एग्जामिनेशन है, पहला आपका अप्रैल में होगा, ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है आपका मई में लिया जाएगा, अप्रैल और मई में ली जाएगी। वही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसके लिए छात्रों को कम से कम 15 दिनों का समय दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 दिन का जो है हुआ समय दिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन जो है मार्च के पहले सप्ताह से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस बार देश के सभी बोर्ड समय पर परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, इसी वजह से परीक्षाओं को 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। आपका जो है बोर्ड का एग्जामिनेशन जो इस बार 12th में अपीयर हो रहे हैं, उनका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है लगभग बोर्ड जो है एग्जामिनेशन स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, सिर्फ आपका सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, जो भी स्टेट बोर्ड है उनका जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। छात्र दोनों सत्रों के लिए एक साथ भी आवेदन कर सकते हैं या फिर अप्रैल के बाद मई की परीक्षा के लिए अलग अलग से मौका दिया जाएगा। पिछले साल कोविड की वजह से छात्रों को 4 मौका दिए गए थे। पिछले बार जो है कोरोना के वजह से जो है 4 टाइम्स जो है स्टूडेंट को मौका दिया गया था एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन इस बार जो है 2022 में जो है आपका 2 बार ही आप अपीयर हो सकते हैं। जेईई मेन की परीक्षा 2 चरणों में होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में ली जाएगी, जो विनीत जोशी है महानिदेशक एनटीए का, उनके द्वारा बोला गया है। जो आपका जेईई एडवांस का परीक्षा होगा, जो स्टूडेंट जेईई मेंस क्लियर करेंगे उनका जेईई एडवांस का पेपर जो है अंतिम सप्ताह जुलाई के, जून के अंतिम सप्ताह में और जुलाई का जो है पहले सप्ताह में ली जाएगी। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।